राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहा मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है। सचिन पायलट ने बगावती तेवर अपना लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे, जो कि सोमवार सुबह होने वाली है। सचिन पायलट जयपुर नहीं आ रहे। उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी कोई मुलाकात नहीं हुई है। पायलट खेमे की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। पायलट ने साफ कहा है कि कई निर्दलीय विधायक हमारे साथ हैं। पायलट के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि 30 से ज्यादा कांग्रेस विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक सचिन पायलट के समर्थन में हैं। ऐसे में गहलोत सरकार अल्पसंख्यक हो गई है। सूत्रों का ये भी कहना है कि विधायक पूरी तरह से पायलट के समर्थन में हैं और उनके हर फैसले में उनके साथ रहेंगे। इस बीच जानकारी ये भी है कि सचिन पायलट ने अपने पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 40 मिनट चली। पायलट की सिंधिया से ये मुलाकात राजस्थान की राजनीतिक हवा का रुख कुछ और ही बता रही है। इससे पहले सिंधिया ने ट्वीट कर ये भी कहा था कि कांग्रेस में योग्यता और काबिलियत के लिए कोई स्थान नहीं है। इधर गहलोत खेमे ने 100 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि वो सचिन पायलट के संपर्क में नहीं है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।